ओके okay, तो अब डिस्कस करते हैं डाउन सिंड्रोम ठीक है ये अब जेनेटिक डिसऑर्डर है ठीक है सो इट इज एन ऑटोसोमल डिसऑर्डर ठीक है सेक्स लिंग डिसऑर्डर नहीं ऑटोसोमल मतलब कि बॉयज एंड गर्ल्स दोनों में हो सकता है ठीक है कोई जो में है ना सेक्स डिफ्रेंसिएशन भी नहीं है कि बॉयज में ज्यादा है गर्स में ज्यादा है ठीक है तो इट इज एन ऑटोसोमल डिसऑर्डर ठीक है इट इज ऑलो कॉल एस ट्राइसोमी ट्वेंटी वन ट्राई ट्वेंटी एंड इट इज ड्यू टू द नॉन डिस्जंशन ऑफ क्रोमोसोम ठीक है मैं नॉन डिस्जंशन बताता हूँ ट्राइसोमी ट्र, खुद ही सबको समझ आ जाएगी नॉन डिस्जंशन क्या इट इज फेलियर ऑफ द क्रोमोसोम टू इट इज जॉइन नॉर्मली मतलब कि एक तरफ जो है ना मतलब ये दो क्रोमोसोम बीच में ठीक है डिवाइड

करेक्टरिस्टिक फेज है ठीक है सबके जो है ना इसी तरह ही फेस होगा ओके दे हैव अ फ्लैट ऑक्सीपोट ऑक्सीपोट क्या होता है इसकी जो पीछे की तरफ जो बोन होगी ना जो मतलब ये ये ऑक्सीपोट है नॉर्मल जो है ना थोड़ा सा ये जो है ना इस कर्वेचर में होता है इनका क्या होगा बिल्कुल इस तरफ फ्लैट होगा ठीक है सो इट इज अ फ्लैट ऑक्सीपोट माइक्रोसिफेली हेड इसका बोध जो, मतलब so, 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 जो है ना बहुत छोटा होगा सिफेली मतलब के ये हेड की बात करें ठीक है ऊपर जो है ना बहुत छोटा सा सर होगा नीचे जरा बड़ा होगा ठीक है मतलब इस तरह गया होगा इस तरह करके इस तरह गया होगा ठीक है तो माइक्रोसफेली अपवर्ड स्लैंडिंग आइज ठीक है ये आइज देख रहे हैं ऊपर की तरफ जो है ना इस तरह स्वेलिंग हुई हुई है ऊपर गई हुई है यहाँ पे जो है ना यहाँ पे इन द इनका जो है ना मिडिल कैंथल में जो है ना फोल्ड्स भी होंगे ये तो मैंशन नहीं है मीडल कैंथल फोल्ड्स भी होंगे ठीक है मतलब के इस तरह जो है ना इस तरह फोल्ड्स होंगे मिडिल कैंथल एरिया ही होता है ठीक है ये जो मैं ये ये वाला ठीक है ये इधर क्या मिडिल कैंथल फोल्ड्स होंगे अच्छा लो सेट ईयर्स लो सेट ईयर्स मतलब कि हमारे जो आई के साथ जो है ना यहाँ पे कान होना चाहिए लेकिन इनका देखिए नीचे की तरफ है तो लोवो सेट ईयर्स हो गए सिंगल पार्मर क्रीज़ ये जो है ना मतलब ये ये जो है ना इनका हाथ है तो ये देख रहे हैं एक ट्रांसफर्स सिंगल पार्मर क्रीज है ठीक है यहाँ पर ये तो है ये तो मसल की वो है ये ना सिंगल ट्रांसफर्स पार्मर क्रीज़ होगी ठीक है इनमें ये हो गया ओके okay, तो फिर आते हैं स्मॉल मैगजिला एंड पैलेट ठीक है मैगजिला कौन सी बोन होती है नीचे वाली और पैलेट अंदर की तरफ होता है ठीक है तो वो भी जो है ना इनका स्मॉल होगा ब्रॉड शॉर्ट नेक ठीक है मोटी सी छोटी सी जो है ना गर्दन होगी इनकी लो आईक्यू है तो मेंटली रिटार्डेड हो गए हैं डिले माइलस्टोन्स ठीक है डिले माइलस्टोन्स मतलब कि जो, जो एक नॉर्मल बच्चा जो है ना वन ईयर में जो जो माइस्टो डेवलप मतलब कि जो, जो अचीव कर लेता है बोलना थोड़ा बहुत क्रॉलिंग और सर एक्सेट्रा सारी चीज़ें वो जो है ना ये लोग ज़रा लेट डेवलप करेंगे ऑफ कोर्स आप डिप्रेस्ड नेजल ब्रिज ठीक है यहाँ पे नेजल ब्रिज आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए इस नेजल ब्रिज होता है यहाँ पे न, आ, जो नाक की जो है ना बोन है वो जो है ना डिप्रेस हुई हुई है और उसके अलावा जो है ना वाइड गैप बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड टो फॉर एग्जाम्पल ये अगर फर्स्ट टो और ये जो है ना सेकेंड टो है ठीक है नॉर्मल इस तरह होता है ठीक है मतलब इस तरह ये पाऊंगा ठीक है इनका क्या होगा जरा इस तरह होगा ठीक है फर्स्ट और सेकेंड में ज़रा ज़्यादा गैप होगा ओके okay, तो ये सारे इसके हो गए क्लिनिकल फीचर्स पिक्चर्स रख देता हूँ okay, फिर आगे जो है डिस्कस करते हैं ओके okay, तो अब आते हैं इनकी कॉम्प्लीकेश सॉरी पहले इसकी जो, जो है ना इन्वेस्टिगेशन पे आते हैं इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे बाो कार्डियोग्राम ठीक है क्योंकि उसमें जो है ना यहाँ पे मतलब इनमें जो है ना ये कंजेनेटल हार्ट डिजीजेज़ भी होंगे ठीक है इनकी कॉम्प्लीकेशन होगी तो इसमें जो है ना हमें आ, मतलब पता चल जाएगा ठीक है इनमें जो है ना रिकारंट इन्फेक्शन भी हो सकते हैं और सारी जो है ना मतलब के मतलब के मतलब इधर में वी एस डी ई एस डी वो सारी जो है ना एसोसिएटेड हार्ट डिजीज हो सकते हैं तो इससे भी एक एक तरह सा हमें आ, मतलब के अंदाजा हो सकता है कि पेशेंट भी जो डाउन सिंड्रोम है तो एक कार्डियोग्राम से जो है ना ये और फाइंडिंग्स हो सकती है और कैरियोटाइपिंग जो है ना इसका मेन जो है ना गोल्ड स्टैंडर्ड हुआ है कैरियोटाइपिंग क्या होती है इसमें जो है ना हम सैंपल लेके जो है ना हम इसके क्रोमोसोम टेस्ट करते हैं यहाँ पर जो है ना अब नॉर्मल सेल हमें बहुत यहाँ से पता चल जाएगा तो यहाँ से जो है ना डाउन सिंड्रोम का हम जो है ना कन्फर्म कर सकते हैं ओके तो इसकी कॉम्प्लिकेशन की तरफ आते हैं दे आर ऑल इम्यून डेफिशन ठीक है तो उसकी वजह से रिकर्ट इफेक्शन होगा ये जो है ना मेंटली रिटार्डेड हैलो आई क्यू मैंने बता दिया ड्यूटिनल एट्रीजिया होगा पेशेंट में ठीक है ड्यूटिनल एट्रीजिया हो गे, के हमारे स्मॉल कट है उनकी एट्रीजी हो गया एट्रेटिक हो गया मतलब बंद है बिल्कुल ठीक है अंदर फ्लो ही नहीं हो रहा तो इसको जो सर्जिकली हम रिमूव करेंगे course, वो पार्ट को कं, कं, कंजेस्टिव हार्ट डिजीज मैंने बता दिया सॉरी कंजेनेटल हार्ट डिजीज नॉट कंजेस्टिव ठीक है ओके तो रीनल अनोमली जो कि जो मतलब कि जो हमारी uh, जो एसोसिएटेड ऑर्गन है सब सारे वो भी फेल हो रहे हैं ठीक है अभी इनकी कोई लिंक नहीं है लेकिन फिर भी जो है ना इनमें जो है ना पेशेंट्स में कॉमन है ठीक है ये सारी ओके तो मैनेजमेंट अब की क्या होगी अफकोर्स यहाँ पर जो है ना हम जेनेटिक जब जेनेटिक जब बात जीन्स पर आ जाती है तो उसमें जो है न, न ना हम कोई ड्रग्स देकर ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं यहाँ पर जो हम क्या करेंगे अफकोर्स पेशेंट की काउंसलिंग करेंगे उनकी सॉरी उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग करेंगे उनको एजुकेट करेंगे अबाउट दिस डिजीज़ की ये हो सकता है और सब कुछ जो है ना अबाउट ऑल दिस कॉम्प्लिकेशन सब कुछ जो है ना ये जो मैंने अभी जो मैं अभी आपको रहा करूँ आपने जो है ना उनको एक्सप्लेन करनी है इन अ बेटर वे अच्छा योग्य हेल्थ सपोर्ट देनी है क्योंकि यहाँ पे ड्यूरिन लाइट्रीजिया है रिनल एनोमलीज़ है ठीक है और उसके अलावा जो है ना और भी जो है ना मतलब कि सी एच डी सी हो गया इनको तो इनको जो है ना हेल्थ सपोर्ट ज़्यादा देना है और यहाँ पे जो है ना कॉम्प्लीकेशन जितने भी हैं उनको मैनेजमेंट करना है इनकी फॉर एक्साम्पल इम्यून सिस्टम नहीं है तो उनकी अगर इन्फेक्शन होंगी तो इनको जो है ना केयर में रखना है ड्यूरिनल लाइट्रीजिया इसको भी ट्रीट करेंगे तो ये सब कुछ जो है ना इनमें आ गए ठीक है सो दिस ऑल अबाउट द डाउन सिंड्रोम अब जो है